आप देख रहे हैं दिव्य हिंदी न्यूज पर अकोला की टॉप 10 न्यूज। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ द्वारा विजयादशमी के अवसर पर अकोला महानगर की ओर से पथ संचलन का आयोजन किया गया। शनिवार को पुराने शहर के शंकरलाल खंडेलवाल कॉलेज मैदान से 12 अक्टूबर को सुबह 7:30 बजे संचलन की शुरुआत हुई। पथ संचलन के पूरे मार्ग पर जगह जगह रंगोलियां बनाई गई। पथ संचलन का नागरिकों ने पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। पिछले कुछ दिनों से शहर में अवैध यात्री यातायात की मात्रा बढ़ गई है। ऐसे में ये सवाल खड़ा हो गया है कि आखिर ट्रैफिक पुलिस करती क्या है। शहर के मुख्य मार्गों पर अवैध ट्रैफिक का धंधा जोरों पर है। शहर वाहन तो कर्मचारियों के सामने ही ट्रांसपोर्टर दिन में 4 से 5 बार बड़े वाहन प्रतिबंधित मार्ग से आते जाते दिखाई देते हैं। दशहरे के अवसर पर नीलेश देव मित्र मंडल और स्वराज्य मित्र मंडल की ओर से रविवार शाम 7 बजे बिरला राम मंदिर में 51 फीट के रावण के पुतले का दहन किया गया। यहां हर साल दशहरे पर रावण का पुतला जलाया जाता है। रावण का वध असत्य पर सत्य की विजय और अज्ञान पर ज्ञान की विजय का प्रतीक माना जाता है। 12 अक्टूबर को तेल्हारा तालुके में भारी बारिश हुई। नदियों में बाढ़ आ गई और किसानों की सोयाबीन की फसल कटाई के समय मिट्टी में बह गई। इससे तालुका के किसानों को बड़े आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा है। इस खरीफ सीजन में पहले ही बारिश पर बारिश देखी गई है, इसलिए सोयाबीन सहित कई फसलों की वृद्धि रुक गई है। गोरक्षण रोड स्थित टाइटन वर्ल्ड हिली योस शोरूम में 4 अक्टूबर से 24 अक्टूबर तक दशहरा विशेष ऑफर चलाई जा रही है, जिसके चलते कई प्रकार के डिस्काउंट घड़ियों के खरीदी पर कंपनी द्वारा दिए जा रहे हैं। और इस शोरूम की विशेष बात यही को घड़ियों की भरपूर रेंज के कारण ग्राहक खरीदारी के लिए पहली प्राथमिकता टाइटन वर्ल्ड शोरूम को दे रहे हैं। शहर में 9 दिनों तक चले नवरात्र महोत्सव के बाद सभी नवरात्र नवदुर्गा उत्सव मंडलों द्वारा विधिवत माता रानी का विसर्जन किया गया, जिसके चलते बालापुर वाघोली परिसर में मूर्ति विसर्जित करने मंडलों की गर्दी रही। बचे मंडलों द्वारा आज सभी मूर्तियों का विसर्जन किया जाएगा, जिसको ध्यान में रखते हुए पुलिस प्रशासन की ओर से पुख्ता बंदोबस्त लगाया गया है। बोरगांव मंजू थाना अंतर्गत आने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 53 पर स्थित वाशिया बस स्टैंड के समीप विदुषा नदी पर बने पुल से जा रहे ट्रक के चालक का वाहन पर नियंत्रण छूट गया। नतीजा ये हुआ कि ट्रक पुल से नीचे विदुषा नदी में जा गिरा, जिससे ट्रक का काफी नुकसान हो गया। महाराष्ट्र राज्य परिवहन निगम में वर्ष 24-25 इस शिक्षा सत्र के दौरान ITI उत्तीर्ण प्रतिभागियों से प्रशिक्षु के रूप में भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। रापनी के अकोला विभाग में 8 अलग अलग ट्रेडर्स के लिए कुल 117 पद भरे जाने हैं, जिसके लिए जरूरतमंद युवा ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। 17 अक्टूबर की रात को चंद्रमा पृथ्वी से केवल 357,200 किमी दूर है। ये सामान्य पूर्णिमा की तुलना में 14% बड़ा और 30% अधिक चमकीला दिखाई देगा। कृत्तिका नक्षत्र में चंद्रमा 19 की रात को चंद्रमा 6 तारों के समूह कहे जाने वाले कृत्तिका नक्षत्र के बेहद करीब नजर आएगा। दशहरे के दूसरे दिन प्रति वर्ष अकोला में आयोजित होने वाले धम्मचक्र प्रवर्तन दिन समारोह में प्रमुख मार्गदर्शक के रूप में बोलते हुए वंचित बहुजन आघाड़ी के सुप्रीमो प्रकाश अंबेडकर ने उपस्थित जनसमुदाय को आरक्षण के लाभ समझाते हुए कहा कि हमें आरक्षण मिला है, इसलिए आरक्षण श्रेणी से लोग बड़े पदों तक पहुँचे। वही अन्य नेता अब आरक्षण को लेकर समाज में भ्रम फैला रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे थे दिव्य हिंदी न्यूज की टॉप 10 न्यूज। जिले से जुड़ी सभी न्यूज से अपडेट रहने के लिए आज ही दिव्य हिंदी न्यूज के इस चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करना ना भूलें। साथ ही दिव्य हिंदी न्यूज के ऐप को प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से डाउनलोड करें और हमारे साथ बने रहें। दिव्य हिंदी न्यूज आपके परिवार को रखे जागरूक और आपको एक्टिव। धन्यवाद।